आपका स्वागत है इंडियन एनएसए ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए वॉकिंग इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए वैकेंसी लेके आए, दी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावणकोर लिमिटेड में वैकेंसी, जैसे FACT के नाम से जानते हैं आप लोग, उत्सुक फार्मा, टैक्सिप, RBPL, HFL, पीरामल, हिंदुस्तान प्लेटिनम और दोस्तों BPL, जहां पे भारत पेरेंट ट्रेडर्स लिमिटेड के नाम से जैसे जानते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज है। तो दोस्तों इन बहुत सारे नोटिफिकेशन में फ्रेशर के लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन इकट्ठा करके और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मकसद की तरफ, कहाँ पे? वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप हिंदुस्तान प्लेटिनम में वैकेंसी है, जो दोस्तों नवी मुंबई के लिए यहाँ फ्रेशर के लिए अच्छा मौका है। प्रोडक्शन इंजीनियर GET के लिए वैकेंसी 5 वैकेंसी है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में BE BTEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर चलेगा और 2 साल तक एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे टेक्निकल स्किल और फंक्शन आपके बता दिए गए हैं, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट बात करूँ कि यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू कब होने वाला है, तो 15, 16, 17 जून 2021 को इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियर GET के लिए वैकेंसी, मेल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं, जहाँ पर BE BTEC केमिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर चलेगा। यहाँ पर टेक्निकल स्किल और जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं आपको। और यहाँ पर ये 17 और 18 जून 2021 को इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट है ऑफिसर के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, BSc केमिस्ट्री से मांगा है। फ्रेशर, 2 फ्रेशर हो या आप 2 साल तक एक्सपीरियंस तो भी जा सकते हैं। टेक्निकल स्किल और इसके फंक्शंस बता दिए गए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका बता दिया गया कि आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, किससे रिलेटिव अगर एक्सपीरियंस है तो होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों 17-18 जून 2021 को इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे जहाँ पे आप जाएंगे इसे अटेंड करने के लिए, वो लोकेशन दिया महाराष्ट्र का पूरा, यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट करना है वहाँ जाके वो दिया हुआ है यहाँ पे प्रीति करके, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू को। लेकिन याद रखें कि जो COVID-19 की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करके ही जाएं, वरना वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्शन केमिस्ट ट्रेनिंग केमिस्ट 10 वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन है BSc MSc BTEC केमिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा, 0-3 ईयर एक्सपीरियंस API मैन्युफैक्चरिंग एरिया। मतलब आप फ्रेशर हो तो भी आप जा सकते हो, 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी QC के लिए, BSc MSc V फार्मा, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस HPLC GC का होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी गई जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, FHRAVAN.KULAKARNI@THERAPIVA.NET। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो QC में वैकेंसी, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, MSc मांगा गया, कॉन्टैक्ट नंबर 8746054899 दिया गया है। यहाँ मेल आईडी दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, HR.BLR@ZUVENTUS.COM। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आप देख रहे हैं R&D मैनेजर एम फार्मा मांगा गया, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस R&D का। नेक्स्ट है QA QC ऑफिसर बी फार्मा एम फार्मा, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी है बी फार्मा एम फार्मा, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी HS ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, बैचलर मास्टर चलेगा, पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट साइंस से रिलेटिव होना चाहिए, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। सेल्स के लिए वैकेंसी है, बैचलर मास्टर मांगा, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है, BCOM BBA BS के लिए वैकेंसी, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी गई है जिस पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेल आईडी कुछ इस तरीके से info@rbpl.com.np। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे ऑन टॉप फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यहाँ पे एनालिटिकल्स केमिस्ट के लिए वैकेंसी है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस फार्मा के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में MSc एम फार्मा BSc बी फार्मा मांगा गया है, स्किल आपको बता दी गई, हैदराबाद लोकेशन। मेल आईडी कुछ इस तरीके से दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, HRHYD@ONTOPPHARMA.COM।
तो दोस्तों यहाँ पे मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, सीधा बता दिया गया है पहले से ही। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे BPL में, यहाँ पे आप देखोगे तो QA के लिए वैकेंसी, एम फार्मा, वी फार्मा, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 5 पोजीशंस हैं। एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया किससे रिलेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ QC के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 2 से 8 साल का 103 वैकेंसी हैं। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी यहाँ पर BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 7 वैकेंसी, 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ आर्ट्स वर्क के लिए वैकेंसी, यानी ग्रेजुएशन, 2 से 4 साल का, इसमें 2 वैकेंसी हैं। एक्सपोर्ट सेल्स मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा विद MBA, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 वैकेंसी है। PPIC के लिए वैकेंसी BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा, 2 वैकेंसी हैं, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। RA के लिए वैकेंसी बी फार्मा, एम फार्मा, 2 से 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 4 वैकेंसी हैं। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी गई हैं जिन पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर फ्रेशर अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेल आईडी recruitment@bplindia.in। नेक्स्ट है दोस्तों hr.head@bplindia.in। दोस्तों यहाँ पर नोट में लिखा हुआ आप देख रहे हो फ्रेशर मे आल्सो अप्लाई, तो दोस्तों आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे जिन पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दोस्तों 9909928360, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 9909928332। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे ये इंटरव्यू 20 जून और 21 जून को होने का है, 9 बजे से 4 बजे तक होने का। यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, APA प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा केमिकल, BSc केमिस्ट्री, BBTech केमिकल इंजीनियरिंग, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मांगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों मैं तो सीनियर ऑफिसर, ऑफिसर APA के लिए वैकेंसी, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, MSc ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक्सपीरियंस आपको बता दिया गया। नेक्स्ट बात सीनियर ऑफिसर, ऑफिसर APA QC के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, MSc ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस बता दिया गया दोस्तों। मेल आई डी दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है hrshendra@hamanfinocham.com। यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम मेल कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया 0240660-5579। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर आपको ये इंटरव्यू अटेंड करने जाना है वो लोकेशन दिया, औरंगाबाद लोकेशन है और कंपनी में होने वाला है HFL में ही। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अटेंड करने, तो उस समय ना आप COVID-19 की जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उन्हें फॉलो करके ही जाना है, वरना वहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर R&D के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए, और रिसर्च एसोसिएट ARND के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर केमिकल प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, जो आपको बता दिया है प्रोसेस ARND के लिए होना चाहिए एक्सपीरियंस। एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आप देख रहे होगे BSc, वी फार्मा, MSc, एम फार्मा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बता दिया गया है। जॉब लोकेशन बता देगा तेलंगाना, या मेल आईडी दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है, विद मेंशन करना है आपको करंट और आपको कितना CTC चाहिए नोटिस पीरियड के साथ, ठीक है। kedarnath.mattam@piramal.com यहाँ पे अपना CV ड्रॉप कर देना। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेशर ओनली मेल कैंडिडेट जिन्होंने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रेनिंग केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी, 4 से 10 साल के लिए वैकेंसी, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिसर्च एसोसिएट के लिए, सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए। नेक्स्ट बात 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, PhD ऑर्गेनिक और सिंथेटिक के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर एसोसिएट साइंटिस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू 12/6/2021 से 18/6/2021 तक होने का है, 10 से 4 बजे तक। पूरा एड्रेस आपको दिया गया यहाँ पर, हैदराबाद लोकेशन है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारे जो डॉक्यूमेंट लेके जाने वो बता देंगे, सारे जो एजुकेशन का जो जीरोक्स लेके जाना है, एक्सपीरियंस का लेके जाना है, 3 मंथ का पे स्लिप, ID प्रूफ ओरिजिनल के साथ लेके जाना है विद रिज्यूम। दोस्तों ये फ्रेशर के लिए जो डॉक्यूमेंट बताए गए यहाँ पर वो हैं। दोस्तों यहाँ पर मेल आईडी दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप करना ज़रूरी है, ठीक है। recruitment@novickbio.com यहाँ पे सीधा बोल दिया गया संडे हॉलीडे, ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी 16 जून 2021 को इंटरव्यू होने वाला है, 8:30 से 10 बजे तक। यहाँ प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है और QC के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन MIT डिप्लोमा, BSc, MSc, बी फार्मा, एम फार्मा सी मांगा गया है,
दो से पाँच साल का एक्सपीरियंस, लोकेशन आपको बता दिया गया, मेल आईडी यहाँ पर दी गई है hrd.pmy@glandphrma.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों है मेडिकल के लिए, यहाँ पर बता दिया गया पूरा लोकेशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस, मेल आईडी यहाँ पर दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों फ्रेशर के लिए, जिन्होंने SSC इंटर किया रखा है, फ्रेशर हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ पर 2016 से 2019 के पास आउट हैं, फ्रेशर हैं, वो लोग हेल्पर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन और कैंटीन फैसिलिटी। यहाँ पर दोस्तों मेल आईडी दी गई है जिस पर आपको अपना CV फॉरवर्ड करना है, vajaykumar.hetrodrugs@gmail.com। यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, एज लिमिट बिलो 25 ईयर ओनली, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है उत्सुका में वॉकिंग इंटरव्यू है, जो अहमदाबाद लोकेशन को होगा सैटरडे 19 जून 2021। तो यहाँ पर दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और यहाँ पे QC के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे ऑफिसर, जहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो प्रोसेस इंचार्ज और सीनियर ऑफिसर, सीनियर प्रोसेस इंचार्ज के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे दोस्तों 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन MSc BSc केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, या आपके पास QA में वैकेंसी भी यहाँ पर प्रोसेस इंचार्ज सीनियर प्रोसेस इंचार्ज। दोस्तों यहाँ पर अलग है, आप देख रहे होगे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, बी फार्मा एम फार्मा, 19/6/2021 को इंटरव्यू होना है सैटरडे को 9:30 से 3 बजे तक। लोकेशन अहमदाबाद का पूरा आपको दिया गया है, यहाँ पे हाईवे पूरा दिया गया, आप देख रहे हो कंपनी में अंदर ही होने का है। आपको एक चीज़ बता दूँ, कोविड की गाइडलाइन जो भी हैं उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पे जाना है, वरना आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे पाइपिंग डिजाइनर, प्रोसेस डिजाइनर, सिविल स्ट्रक्चर डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, 10 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी यहाँ पर दी गई जिस पर आपको CV ड्रॉप करना है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, BE इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, डिजाइनर पाइपिंग, मैकेनिकल डिप्लोमा विद 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस, मेल आईडी दी गई जिस पर आपको CV ड्रॉप करना है, info@techshipdesign.com। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप देख रहे हो दी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रबन कोर लिमिटेड, ऑलरेडी मैं इस नोटिफिकेशन को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर वैकेंसी है मेरे भाई, जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल से मांगा है, मिनिमम एज जो है यहाँ पर बता दी गई है आपकी, मैक्सिमम भी बता दी गई, जो 1/6/2021 से काउंट की जाएगी। टर्म्स कंडीशन यहाँ पर बता दिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है, 2 ईयर है ये रिन्यूएबल, मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो बता दिया गया है कि भाई इतना इतना पूरा बता दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करें अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है 8/2021, ठीक है, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जाना रहेगा facet.co.in के करियर ऑप्शन में, फिर जॉब ओपनिंग और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डाउनलोड करके अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और भर सकते हैं फॉर्म को। इसका जो लास्ट है वो 17/6/2021 है, शाम को 4 बजे लास्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पूरा बता दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे क्वालिफिकेशन है सारे जो बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के जो आपको 17/6/2021 शाम को 4 बजे से पहले सबमिट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको जो लिफाफा है उस पर आपको ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और एडवर्टीजमेंट नंबर का भी डालना है जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पर जो वैकेंसी वो डिग्री डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पर सीधा बता दिया गया 4 वर्षीय 3 वर्षीय तकनीकी परीक्षा तो दी हो, यहाँ पर जो 16/6/2021 से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 30/6/2021 तक चलेगा। यहाँ पर पूरा एड्रेस इसका बता दिया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस और एरोनॉटिकल
एमई इंजीनियर, जहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे बीटेक चाहिए 4 वर्षीय, ठीक है, या डिप्लोमा के बारे में बता दिया गया है कि बोर्ड विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय डिप्लोमा। नेक्स्ट यहाँ पर बता दिया गया है लाइब्रेरी साइंस, जहाँ पर संबंधित जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो 1 वर्षीय लाइब्रेरी साइंस से पोस्टिंग से होना चाहिए आपके पास, या आपके पास बता दिया गया 2 वर्षीय लाइब्रेरी साइंस से। नेक्स्ट है फार्मासी, यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया 3 वर्षीय आपके पास, जैसे कि यहाँ पर बता डिप्लोमा जो है डिग्री, देखो यहाँ पर सेशन 2 है आपको तो समझ में आ रहा हो, तो डिग्री और डिप्लोमा ऊपर ही लिखा है, तो यहाँ पर केवल जो फार्मासी के लिए वो 3 वर्षीय केवल फार्मासी चाहिए डिप्लोमा लेवल का। AOM एंड ASP, यहाँ पर दोस्तों 2 वर्षीय डिप्लोमा जो अच्छा होना चाहिए AOM एंड ASP से, ठीक है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए 2 वर्षीय होना चाहिए और डिप्लोमा लेवल का, और डिग्री लेवल का केवल 2 ही सेशन है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूरा इसके बारे में बता दिया, आवेदन कैसे भरना है पूरी जहाँ पर जानकारी दी गई है आपको, उससे पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखनी चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, और पूरी हिंदी में जानकारी दी गई है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दिनांक 1/7/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी, 27 ईयर किस किस के लिए कितना कितना छूट दिया जाएगा वो बता दिया गया यहाँ पे। चयन प्रक्रिया क्या है तो वो बता दी गई है कि चयन का तरीका आपका जो मतलब सिलेक्शन का मेथड क्या है, तो आपका चयन का प्रक्रिया जो है दोस्तों वो मेरिट लिस्ट है आपका, अच्छा मार्क्स अच्छा हो जाएगा नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे उम्मीदवार की क्या क्या शर्तें हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD पे, वहाँ रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और भी बताई गई हैं लेकिन मैं आपको मुख्य चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो बहुत ज़रूरी है फाइनली आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को लेने के लिए www.hal-india.co.in/career पर जाना रहेगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध है, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें बता देंगे, एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो। जय हिंद जय भारत।